नमस्कार दोस्तों, कुंडली टीवी पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात आपको बताएंगे शाम को ऑफिस से घर आते समय उन कामों के बारे में जिसको करने से आपके घर में सौभाग्य आने लगता है और आपको जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। जी हाँ, जिस तरह शास्त्रों में घर से निकलते समय कुछ उपायों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह शाम के समय काम से घर आते समय भी कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। घर में यदि सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो किसी व्यक्ति के लिए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है। ऐसे में आइए देर न करते हुए जानते हैं शाम को घर आते समय क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अक्सर देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग जब ऑफिस से अपने घर वापस लौटते हैं तो खाली हाथ ही घर में आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भूलवश भी नहीं करना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अगर आप खाली हाथ घर जाते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बरकत कभी नहीं होती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसे में यदि आप शाम को घर वापस आएँ तो घर में कुछ खाने के लिए अवश्य लेकर आना चाहिए। यदि ये खाने की चीज़ें सात्विक हों तो और भी अच्छा होता है। सबसे पहले जो भी खाने की चीज़ ले आए हैं तो उसमें से पहले कुछ भगवान के लिए अर्पित करें और उसके बाद घर के बुजुर्गों को और बच्चों को दें। इससे आपके व आपके परिवार के ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद तो बना ही रहता है, साथ ही जिस घर में बुजुर्ग और बच्चे खुश रहते हैं वहां पर हमेशा सौभाग्य का वास होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप कहीं बाहर से वापस आ रहे हैं या फिर ऑफिस से घर लौट रहे हैं तो यदि रास्ते में कोई धार्मिक स्थल पड़े तो उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। साथ ही घर में आकर सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए और दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और भाग्य जागृत होता है। इतना ही नहीं, इससे आपके परिवार की खुशियों में दोगुना वृद्धि होती है। तो वहीं ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब वे घर से या फिर अपने काम से घर वापस आते हैं तो सीधे कमरे के अंदर चले जाते हैं और बिस्तर या सोफे पर बैठ जाते हैं। बता दें कि धर्मशास्त्रों की माने तो ये आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए खराब होती है बल्कि इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में रोज़ाना घर पर आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ पैर व मुँह को अच्छे से धोना चाहिए। इससे आपके शरीर पर लगे कीटाणु और गंदगी तो साफ ही है, साथ ही बाहर से आई नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है जिससे आपके साथ सकारात्मकता एवं सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, आप भी हमेशा काम से घर लौटते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।